होता है, आदि दृष्टि प्राप्त होता है। और आगे तैतरी आरण्य की पंक्ति दे रहा हूँ, असौवा आदित्यो गोप आदित्य एव प्राणियो प्राणिया, इसकी जो इसमें संपादित की जाती है अतिरात्र, और वो उसके बारे में भी स्वयं उसी का पर्याय है। आदित्य प्राणी सियाद आदित्य उदय नहीं है, ये मैत्रणी जो उपनिषद कह रहा है, ये ब्राह्मण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद जरा देखिए, कहते हैं आदित्यान व अनुगाव, फिर कहते हैं गावु व आदित्य ब्राह्मण, यह एव असौ आदित्य तपत एव विराट प्रजापति, जिसको कहा गया वो स्वयं वही है। और विराट भूत्वा आदित्यो अवदत प्रजापति जैमिनी ब्राह्मण, और फिर कहते हैं कि षष्ठीश्च हवै त्रीणि च शताब्दादित्यम नभ्य समन्तम पर्यन्ति, और षष्ठी हवा त्रीणि शतानि, ये ध्यान रखना, ये 300 और 363 जिसको हम आगे वर्ष का एक क्या कहते हैं वाचक मानते हैं, उसकी चर्चा हम कह रहे हैं। प्रश्न क्या है कि ये जो गव है, ये ऐसा आपने पंडित हिस्ट्री मीमांसक जी का एक छोटी सी पुस्तक है शौत याग परिचय, आपने अगर उसको पढ़ी हो तो उन्होंने भी गवामयन को वस्तुतः माना है कि गवामयन ये जो अभिप्राय क्या है, वो कहते हैं एक स्थान से चलकर जो ये सूर्य की रश्मियाँ गमन करती हैं दीवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक, वर्ष भर चलती है और अनवरत चलती रहती है, तो इसका है सूर्य वस्तुतः पृथ्वी की जो वार्षिक गति है, सूर्य रश्मियों की वर्ष भर की स्थितियों का प्रदर्शन इस अनुष्ठान के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। और अगर कल पांडे जी ने पंक्ति शुरू की थी, मैं आपको पंक्ति दे रहा हूँ, पांडित्य महाब्राह्मण का चतुर्थ अध्याय का प्रथम खंड पढ़ के पूरी पंक्ति पढ़ के देखिए क्या है। वो कहते हैं, ध्यान रखना, गाव ये गाय शब्द नहीं है, का गावो है सप्तम आसत तासाम दस मास, दो तरीके का इसका है, दो तरीके के द्वयामन है, एक दस मास एक द्वादश मास में। और कहा श्रृंगाणी अजायंत ता अब्रुवन नरा स्तोमा सिस्टम लो, इत्यादि पंक्ति देखो आप ये थी। और आगे जरा पढ़िए क्या कहते हैं वो, कहते हैं तान येतान पुरुषा एवे द्वादश मासौ स संवत्सर से अपामेत तथान्य द्वादश मासु श्रृंगाणी प्रवंत ता सर्वनामान इत्यादि। और आगे चलती चले जाइए, सर्वन अन्न आपनोति एवं वेद, ये कहते हैं कि इन सब को जो जानता है वो संसार में जो नाना प्रकार के अंड की प्राप्ति है, सोम की प्राप्ति है, वो उसको जानता है। जरा देखिए आख्यान सुना, आगे इसको प्रारंभ करते हैं इसको बताने के लिए, कहते हैं प्रजापति एक आशु अकामाय पहुंच्याम प्रजापति एतत अतिरात्रम अपश्यत तम आहरण तेन अहो रात्रि पराजन यत, ये जो अतिरात्र कर्म यहाँ पर दिया जा रहा है। अब जरा ये पूरी अगर आप पंक्ति पढ़ें तो आप देखेंगे ये जो सूर्य की रश्मियों का इस धरती पर आवागमन है, या अयन कहना चाहिए जिसको हम चल करके यहाँ आना, जिसकी गति कहते हैं, इस गति के कारण ही हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन रात्र में, अहोरात्र में, उसके बाद दो पक्ष होते हैं कृष्ण और शुक्ल, उसके बाद 6-6 महीने के दो पक्ष होते हैं जिसको हम उत्तरायण तो दक्षिणायन करते हैं। यहाँ भी आप गवामन के देखेंगे तो दो पक्ष हैं, एक पूर्व पक्ष है एक उत्तर पक्ष है, पूर्व पक्ष 6 महीने का है, उत्तर पक्ष भी 6 महीने का है। और इसके और भी आगे चलेंगे तो उन्होंने पक्ष की चर्चा की, द्वादश महीने की बात की, फिर 24 महीने की अर्धमास कहा, इसमें पक्ष गिन लीजिए आप, दो की छदुरी 12-24 हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसा छठ ऋतुओं की चर्चा की। सारा चर्चा करके जब अगर हमें देखने को मिलता है तो लगता ये है तो वस्तुतः 180 जो सुत्या दिवस इसमें बताए जा रहे हैं दो पक्षों में, और एक विषुवान की बात की है जो मध्य है। आपने देखा होगा कि जब एक उत्तरायण से दूसरा दक्षिणायन का काल है, समय है, उसको यहाँ उन्होंने विषुवान बात कही, और ये कहा कि गवायमन का मूल है ये। मूल इसलिए है कि जो सूर्य की गति है, जो सूर्य की रश्मियों का धरती पर आने का आगमन अयन है, वस्तुतः उसका नियंत्रण होता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा उत्तरायण शुरू हो जाता है, उस समय धरती पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुखकारक सोमकारक प्रदान होती है, इससे पहले दूसरी परिस्थिति आती है। और हमें ये स्टडी करना चाहिए कि जो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव धरती पर किन किन रूपों में कैसे पड़ता है, इसमें ज्योतिष भी इन्वॉल्व है जो सारी परिगणना हमें करके देता है। 361 दिन अथवा 385 दिन की जो बात की, जिसकी उन्होंने संवत्सर संज्ञा की है, और आप जानते हैं कि संवत्सर पर्याय भी सूर्य आदित्य का है,
प्रजापति भी पर्याय सूर्य आदित्य का है और सारी ये गवामयन उसी आदित्य सूर्य की रश्मियों की बात यहाँ पर की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो ब्राह्मण ग्रंथों की प्रतीकात्मक भाषा है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए और तब इस पर विचार करना चाहिए। और जरा मैं कुछ एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये तो बात आपने जान ली, ये पक्ष की बात है जो उसी के तहत है। और जब दक्षिणा की बात आती है, आप जानते हैं कि कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के जो है सत्र पूरा नहीं होता, तो कहते हैं कि इसमें दक्षिणा नहीं दी जाती। क्यों दक्षिणा नहीं दी जाती? ये एक कारण है, स्वयं तांडवराम इस बात की वहाँ उल्लेख करता है और कहते हैं क्योंकि आत्मा ही इसकी दक्षिणा है। आत्मा आत्म दक्षिणम वा एक सप्तस्य सूर्य आत्मा। अब आप जानते हैं कि आर्यदैविक दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो सूर्य ही पूरे जगत की आत्मा है और सूर्य ही ये सारा काम ऋषियों के माध्यम से कर रहा है। इसलिए दक्षिणा तो स्वयं उसकी चल ही रही है, इसलिए वहाँ कोई अन्य दक्षिणा नहीं जाती। और फिर आत्मा के अवदान का जब निरूपण हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप तांड महाब्राह्मण के 4:9:20 को पढ़ करके देखें, जहाँ वो कहता है कि मनुष्य जीव के दो रूप हैं। जब हम सूर्य की रश्मियों के माध्यम से औषधियों का परिज्ञान करते हैं, आप उपनिषदों में जाएं तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो शरीरगत लोमों को पहले देखता है, फिर अन्य मासों में त्वचा को, फिर मांस को, फिर अस्थि को, फिर मज्जा को, फिर मज्जागत रस को पृथक करता है। इसी तरीके से जीव की मुक्ति होती है और संसार में जो सृष्टि हो रही है उसकी सृष्टि होती है दोनों रूपों में। और ध्यान रखना, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की जो प्रक्रिया हमारी है वो ठीक उल्टी है। पूर्व पक्ष में दूसरा क्रम है और उत्तर पक्ष में उसका उल्टा क्रम दिया गया है इस द्वयमन सत्र के प्रसंग में। तो अब यहाँ पुनः कहते हैं तांड ब्राह्मण 4:9 में, यदा वही पुरुष आत्मनो अवद्यत यम कामम कामयते तम अभ्युपस्मृते। ये वहां की पंक्ति है। और इसी को अगर हम देखना चाहें अंत में, ये आपने पूरा तांड महाब्राह्मण पलट कर देखिए और मैं आपको ले चलता हूं अंतिम से। अंतिम में ये है षोडश खंड, षोडश खंड की मैं पंक्ति दे रहा हूं आपको और वहां तीन संवत्सर की बात कर रहे हैं। एक तो गवामयन की, एक आदित्य की, एक अंगिरस। ये तीनों प्रक्रिया सूर्य के रश्मियों की धरती पर आने की जो गति है, वर्ष भर उनकी जो संक्रमण होता रहता है यहाँ पर सूर्य के, उसके उसी गति का यहाँ पर उल्लेख यज्ञ के माध्यम से कर रहा है। अब पंक्ति में आपको दे रहा हूँ, जरा पढ़ के देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं एतेन वै गावः प्रजाति भूमानम अगच्छत प्रजायन्ते बहु भवन्तिता एदु भयंत एतेन वा आदित्या एषु लोकेषु प्रतिष्ठन् प्रतिष्ठति यह एतद उपयन्ते वा अंगिरस। ध्यान रखना, सूर्य की रश्मि के माध्यम से पहले उनका आगमन होता है, आदित्य प्रजा के रूप में नाना प्रकार की उत्पन्न होती है, उसमें आदित्य का प्रतिष्ठान होता है, बैठता है वो, और उसके बाद अंगिरस। अंगिरस कहते हैं अंगानाम रस, जो इस शरीर में नाना प्रकार की चल रही है, चाहे वो वनस्पतियों में देखिए, चाहे मनुष्य में देखिए, चाहे जो चेतनता है, जो रस है, वो सब अंगिरस है। वो आदित्य के ही तीन रूप हैं। तो आप देखते ही किसी औषधि, एक अन्न अगर उदाहरण आप ले लें तो अन्न में किस तरीके से सारी चीजें रश्मियों के माध्यम से उत्पन्न होती हैं वो देखिए। फिर उसका उल्टा रूप, सूर्य कैसे प्रखर होकर के उसको ठोस बनाता है और फिर उसमें रस में परिवर्तित करता है, मनुष्य उसको भक्षण करता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी जब हम प्रक्रिया देखते हैं, इस प्रक्रिया में हमें ऐसा लगता है, कहते हैं पर आवारम सप्तदशु पौरुकुरुषु, उसके बाद और सुनिए अंत में वो एक आख्यान देते हैं कि भाई इसको किसने किसने किया था। इतिहास की बात जो हमारे भाई पंकज जी कर रहे थे उसकी भी चर्चा आपको इस क्या कहते हैं अंत में देते हैं वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य भाइयों से ये है कि वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य है सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन करना। नाना यज्ञों में यह आदित्य सूर्य किस तरीके से यज्ञानुष्ठान के रूप में माध्यम से इस सृष्टि का संचालन करता है, कैसे कैसे यहाँ सारी चीजें होती हैं संभव, उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या उनकी गति है, शरीर धरती पर किस किस तरीके से वो आते हैं, तो ये दोनों पक्षों के माध्यम से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष सारी क्रिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी संख्याएं हैं, चाहे वो 6 है 12 है 24 है, उसके बाद वो संवत्सर की बात करते हैं। और ध्यान रखना, मैंने ब्राह्मण ग्रंथों की बहुत सारी पंक्तियां देखी है, प्रजापति संवत्सर आदित्य ये सब एक ही है जो स्वयं सूर्य है आज दैविक दृष्टि से, और गवामयन सत्र पूरा का पूरा उसी सूर्य की धरती पर जो वर्ष पर्यंत अथवा हजारों वर्ष पर्यंत, एक वर्ष की मैं कह रहा हूँ,
प्रायः वही पुनः पुनरावृत्ति होता है अगले वर्ष में, उस गति का ही एक रूप से प्रकारांतर की उपाख्यान करता है ये। और वर्ष भर की स्थितियां कैसे सूर्य में आकर के धरती पर अनुष्ठान करती हैं उसका सीधे से सीधे चर्चा करता है। मैंने इसको देखा था, इसमें बहुत सारे हैं, तीन की बात हम करते हैं, जीव अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। अभी संपूर्ण बात मुझे सांकेतिक रूप में ही कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर इस बात को, और वो विश्ववत जो दिन है विश्ववान उसको वो आत्मा माना था। तो प्रश्न ये है कि अगर हम इस दृष्टि से जब विचार करने बैठते हैं इस गवामयन सत्र का, तो ऐसा ये सत्र भी लिखा है हजारों हजारों वर्ष तक चलता है, तो आप जरा देखें कि कौन सा ऐसा सत्र है। सूर्य की ये प्रक्रिया दिनों के दिन प्रतिवर्ष प्रति संवत्सर में एक एक जीतता है, फिर आगे वही चलता रहता है, चलता चलता ही चलता रहता है। तो वो सारी की सारी प्रक्रिया इसी रूप में हमारे आचार्यों ने उपस्थापित करने का प्रयत्न हमने किया, और हमें इन ब्राह्मण ग्रंथों को उसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए जिसे, क्योंकि ये सिर्फ सामवेद के ब्राह्मण ही नहीं, चैतन्य ब्राह्मण आप देख लें, शतपथ ब्राह्मण देख लें, आपको दुनिया भर का समर्थन इससे मिलेगा। और ये मैं सब जरा देखने के बाद जब मैंने पंडित युधिष्ठिर महंत की पुस्तक पलटी, मुझे लगा कि किसी आचार्य ने क्या इस बात का समर्थन किया है देखा है, तो मुझे उन्होंने संकेत मात्र में किया, उन्होंने बारह उसका पूरा विस्तार से विश्लेषण नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा सूर्य की जो वर्ष पर्यंत वर्ष भर वस्तुतः पृथ्वी की जो वार्षिक गति है, सूर्य तो अपने धुरी पर घूमता है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो रश्मियों का क्या कहते हैं आवागमन यहाँ चल रहा है, उसके सारी स्थितियों का प्रदर्शन गवामयन सत्र के माध्यम से हमारे ऋषियों ने प्रयत्न करके दिया था, जिसे हमें सांकेतिक भाषा उन्होंने दिया है। मैंने जब इसके प्रारंभिक तीन चार अध्यायों को पढ़ा तो मुझे बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया कि इसमें कोई शक नहीं है, और अंतिम अध्याय जब देखा जहाँ उन्होंने उसकी एक रूप से प्रशंसात्मक संग्रहित की है, वहाँ भी ये तीनों चीज़ों को देखने को मिला। तो तीन आयनों की उन्होंने चर्चा कर ली, जो स्वयं गवामयन है, आदित्य आयन है और अंगिरस आयन। वस्तुतः इन तीनों का स्वरूप आप देखेंगे तो सूर्य की रश्मियों के वर्ष भर गति और उनका जो प्रभाव धरती पर पड़ रहा है, जो सृष्टि के सारे जो प्रक्रियाएं यहाँ चल रही हैं कैसे, इन सब का ही निरूपण है, इन्हीं का रूपायन है इस क्या कहते हैं गवामयन सत्र के माध्यम से। तो बंधुओं मेरा निवेदन मात्र इतना है कि हम लोगों को इन ब्राह्मण ग्रंथों को प्रतीकात्मक भाषा इसकी समझें, और जिन शिष्य के रहस्यों को ब्राह्मण जानते हैं कि वेद के मंत्रों में तो सूत्र रूप में हमारे पास संकेत दे दिया गया, उसका विस्तार हमें ब्राह्मण ग्रंथों में विधि और अर्थवाद के माध्यम से और आख्यानों के माध्यम से आया, वहाँ विधि लुप्त हो गई, इसीलिए तीसरा चरण हमारे पास सौ सूत्र आए थे, जिन सूत्र ग्रंथों ने फिर उसकी विधि को इन अर्थवादों से और आख्यानों से पृथक करके हमें प्रदान किया। ये तीनों प्रक्रियाएँ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य है आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से हम सृष्टि के रहस्य माने इस सूर्य का इस धरती पर जो यज्ञानुष्ठान चल रहा है अग्नि सोमात्मकम जगत की प्रक्रिया में, उसके सारे प्रक्रिया को नाना यज्ञों के माध्यम से, उसके सारे नए गतियों के माध्यम से, और आपने देखा होगा कि स्वयं पावमानी में तीन लेख पहले इस पर आ चुके हैं जो यज्ञ से संबंधित हैं, सर्ववेद यज्ञ है, पुरुष वेद असोवेद यज्ञ है, और एक प्रवर्ग के ऊपर है हमारे गुरु जी का लेख था। तो आप देखेंगे कि आदिदैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों प्रकल्पों तीनों दृष्टियों से हम उस यज्ञ प्रक्रिया को जो आदित्य अनवरत इस ब्रह्मांड में चला रहा है, जिससे धरती को नाना प्रकार के सोम आत्मा शक्ति चेतनता प्राण जो भी कुछ कह लीजिए वो प्राप्त हो रहा है। और मैंने तो ये समय नहीं है इसलिए पंक्ति नहीं दी, मैंने इसको सारा कोट किया है, अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से। और आप जानते हैं कि काल का अधिष्ठात्री देवता स्वयं सूर्य है, वही पल घड़ी से लेकर के संवत्सर पर्यंत ईदावत्सर संवत्सर परिवत्सर और युग पर्यंत तक के सारे काल का संगठन करता है, और वो सूर्य की रश्मि पृथ्वी पर जो आती है उसी से हम लोग अपने काल की गणना भी प्रारंभ करते हैं। तो कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि हमें इस दृष्टि को रख करके ब्राह्मण ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, और हमारे ऋषियों ने इस ब्रह्मांड की स्थिति के जो रहस्य को इन ब्राह्मण के यज्ञानुष्ठानों के माध्यम से रूपायित करने का प्रयत्न किया है और प्रकल्पित करके हमारे सामने उपस्थापित किया है, तो उसे हम
आदि भौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से देखने का प्रयत्न करें, तो हमें लगता है कि ऋषियों ने जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा विज्ञान दिया है, उस विज्ञान को हम समझने में शायद समर्थ हो पाएंगे। और जहाँ तक ज्ञान विज्ञान की चर्चा है, जहाँ अभी जिन भाइयों ने हमारी चर्चा की, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यज्ञानुष्ठान करने से पहले दीक्षा की जाती है व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य है वो, ये दैवी यज्ञ था और मनुष्य जो है वो दैवी यज्ञ नहीं कर सकता, तो दीक्षा के कारण या दीक्षा के द्वारा उसे मनुष्य से दैवी बनाया जाता है। तो दैवी बनाने के लिए जितने भी दैवी गुण हो सकते हैं उन सबका आचरण का पालन करवाना, उसको शिक्षित करना, दीक्षित करना, उसे संकल्प करवाना, ये हमारे जो है ऋषियों ने दिया है। और आप जानते हैं कि स्वस्थ पंथा मनुचरिंग सूर्य मसावी और ये पंक्ति ऋग्वेद की है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ उपदेश किया गया कि सूर्य और चंद्रमा जिस सत्य मार्ग का, जिससे मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है प्रजा का, का वो अनुसरण कर रहे हैं, वही हमें मनुष्य को भी करना चाहिए। इसीलिए इन तीनों प्रकल्पों के माध्यम से आदिदैविक आध्यात्मिक दैवी शक्तियों के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम कभी अध्यात्म में जाना चाहते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो वो ये प्रक्रिया है, वो भी हमारे ज्ञान का मार्ग है। और भौतिक धरातल पर एक अभिनय है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य भी इसको अगर इस रूप में देखना चाहे तो कैसे करे, कौन सी सामग्री है, कौन सी संभार है, क्या क्रिया प्रकल्प होगा, वो सारा इस सिद्धांत के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो आप शौत यागों को अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो जहाँ तक मेरा स्वाध्याय है, मैंने जितना देखा है, सप्त ब्राह्मण को मैंने अत्यंत पूरा बहुत काम किया है, तो बंधु मुझे लगता है कि हमें सारे साथियों को, ये बहुत सारी तो प्रसंगता बातें आती हैं, दीक्षा के प्रसंग में आएंगी, उसके बाद दीक्षोपरांत भी बहुत सारी बात आएंगी, इसमें नैतिकता की बात है, आचरण की बात है, मनुष्यता की बात है, बहुत सारी बातें, लेकिन वो शिक्षा दी जाती है। तो प्रश्न है, जब हम ये कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो सृष्टि के लिए कर रहे हैं, हम भी सृष्टि के अंग हैं, उसी प्रजापति के संतान हैं, तो हमें भी वही कर्म करना चाहिए। इसके लिए ये उपदेश है यज्ञानुष्ठानों के माध्यम से ऋषियों ने हमें दिया। तो हम सब को प्रयत्न पूर्वक इन ब्राह्मण ग्रंथों की प्रतीकात्मक भाषा को, उनमें जो अर्थवाद और विधि है उसको, और साथ में जो सृष्टि के रहस्य हैं, देवतावाद जिसको आदिदैविक और आध्यात्मिक की जो प्रक्रिया को, उसको जब ध्यान में रख करके हम इस पर विचार करेंगे, तब शायद हमें जो असली विज्ञान की बात हम कर रहे हैं वो साइंटिफिक बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, और आप जानेंगे कि वस्तुतः वेद के इन ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का इतना सुंदर आलोडन विवेचन किया है, जो आपके पास तीन रूपों में उपस्थापित हैं। तो बंधुओं, समय मुझे लगता है हो चुका होगा, और इसलिए मैं अधिक समय न लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से इस प्रभात आश्रम का, स्वामी जी महाराज जी का, भाई जो है सोमदेव जी का, और जो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं भाई भगवत चरण जी, इनके चरणों में नमस्कार प्रणाम पूर्वक अपने वाणी को विराम देता हूँ। और सब बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे गुरुजन हैं उनके लिए बात की है, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए मेरा एक संकेत है, विनय है, अनुनय है, कि भाई आप जरा इस पक्षों से, हमारे पास ग्रंथ है इसके लिए, आप भाष्यकारों को देखो, आप अगर सायन को पढ़ते तो सायन ने स्वयं संकेत बहुत के बीच बीच में दिया है, तो जाकर के पंडित मीमांसक जी ने इसको समझा और उन्होंने बात संकेत रूप में इस बात को कह दिया, इसका विस्तार उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इसमें ज्योतिष की गणना चाहिए, तभी हम शायद सबकी बातों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन आप सबसे यही है कि ब्राह्मण ग्रंथों के मूल प्रसिद्ध पाद्य को, मूल जो उनका विषय है, उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी, और जिस विज्ञान की चर्चा ये वेद हमेशा करता रहता है, वो विज्ञान भी आपको वहाँ पर अवश्य दिखाई पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और सबको प्रणाम नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद। ओम।